वेलकम टू माँ का खाना। आज हम गेहूं के आटे का हलवा बनाएंगे, कड़ा प्रसाद। चलिए हम बना लेते हैं। आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी देसी घी मैंने लिया है। अभी इसे हम बनाने की तैयारी करते हैं। घी अच्छा खासा गर्म हो रहा है, अब इसी में हम आटा डाल देंगे। इसे हमेशा चलाते रहना है वरना ये जल जाएगा। इसमें गांठ आने नहीं देना है, जो भी है सारे अच्छे से चलाकर इसे छुड़ा देना है, जो भी इसमें गांठ वगैरह आएगा। तो इसे धीरे धीरे चलाते रहना है इसका कलर चेंज होने तक। गैस हमने मीडियम रखा है, धीरे धीरे इसे हम इस तरह से चलाकर कलर ब्राउन होने तक चलाएंगे हम इसे, हल्का सा ब्राउन, बिस्किट का कलर आ जाए। गुरुद्वारा का प्रसाद कड़ा बोलते हैं उसे, इसी तरह बनाया जाता है गुरुद्वारा का प्रसाद। मुझे याद है जब हम छोटे थे हमारे पड़ोस में कई पंजाबी फैमिली थी, हम सब जिस दिन गुरुद्वारा रहता था उस दिन हम सुबह 5 बजे उठ के हम लोग जाते थे, गोभी वगैरह काटते थे, छिम्मी छीलते थे, मटर आटा गूंथते थे। हम सुबह 5 बजे उठ के चले जाते थे लंगर में, बहुत अच्छा लगता था वहाँ। और गुरुद्वारा का जो कड़ा प्रसाद है वो तो गरम गरम जब हाथ में प्रसाद मिलता था इतना अच्छा लगता था वो खाने में, खाने के बाद हाथ में पूरा घी लगा रहता था, वो घी वाला हाथ हम लोग हाथ में पोंछ लेते थे अपने अच्छी तरह से। कोई कोई एकदम महीन आटे से बनाते हैं, कोई थोड़ा सा मीडियम आटा रहता है, कोई कोई आटा थोड़ा दरदरा रहता है, उस तरह से बनाते हैं। गुरुद्वारा में जो आटा थोड़ा सा मोटा रहता है उस आटे से बनाते हैं प्रसाद, लेकिन बनाने की तरीका यही है, इसी तरह से बनाते हैं। माप इतना ही रहता है चीनी का, घी का, आटे का, पानी उसका डबल रहता है। बस इसे थोड़ा भूनना है बिस्किट के कलर आने तक, इसके बाद इसमें हम चीनी और पानी दोनों डालेंगे। कलर इसका चेंज हो गया है, बिस्किट का कलर आ गया है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे, इसके बाद हम 2 कटोरी पानी डालेंगे। धीरे धीरे डालना है वरना हाथ पे छींटा पड़ेगा। गैस हमने स्लोई रखा है, अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, बिल्कुल हमें रुकना नहीं है, धीरे धीरे चलाना है जब तक ये सूख ना जाए अच्छी तरह से। गैस हमने स्लोई रखा है, शुरू से हमने गैस स्लो रखा है, फास्ट नहीं किया है। अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, देखिए सूख गया है, थोड़ा और हम इसे सूखने देंगे जब तक घी ना छोड़ दे। घी जब छोड़ देता है तो असली हलवा मालूम पड़ता है कि यही सही हलवा है। अब ये हो चुका है, गैस हम बंद कर देते हैं, ये जैसे ठंडा होगा इसमें से घी छूट जाएगा, पूरा घी अलग हो जाएगा ठंडा होते ही। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्याले में। गर्मा गर्म गेहूं के आटे का हलवा बनके तैयार है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरह गुरुद्वारा में बनाते हैं कड़ा प्रसाद, अब इस तरह से बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।